देखिए राजभवन से निकल कर जो है कई जो मंत्री है वो भी निकल रहे हैं और जो विधायक है वो भी निकल रहे हैं। वो निकलने के क्रम में जो है सिल्ली के विधायक अमित महतो यहाँ पर मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी बातों को रखे हैं और उन्होंने कहा है कि वो हेमंत सोरेन के प्रति विश्वास रखते हैं, गुरुजी के प्रति विश्वास रखते हैं, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति विश्वास रखते हुए अपना काम करेंगे। तो अमित महतो ने क्या कुछ कहा है सुनाते हैं आपको। बेहतर काम किए जाएंगे, एक से एक बढ़कर काम किए जाएंगे, जो कि हर एक झारखंडियों के लिए गौरव का विषय होगा। एक बड़ा चेहरा को आप हरा कर विधानसभा फिर से पहुंचे, सुदेश महतो का एक बड़ा चेहरा है सर। बड़ा कहा जा रहा है आपको? सर बड़ा और चेहरा, बड़ा और छोटा चेहरा कुछ नहीं होता है। जनता जिसे आगे बढ़ाती है वो बड़ा हो जाता है, जिसे पीछे लाती है वो छोटा हो जाता है। तो हम तो यही कहेंगे कि आने वाले दिनों में जिस आशा भरोसे के साथ, जिस उम्मीद के साथ हम लोगों को नियुक्त किया गया है, नेतृत्व करने का एक मौका दिया गया है, संघर्ष के रास्ते मुकाम और मंजिल पहुंचने का एक जिम्मा सौंपा गया है, तो निसंदेह उनकी भावनाओं की कदर करते हुए मैं उनकी विश्वास अमित महतो एक बार फिर से जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं, पहली प्राथमिकता क्या होगी जनता के लिए, खासकर विधानसभा क्षेत्र के लिए? विकास, 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 सिर्फ और सिर्फ। कैसे हमारा प्रदेश का विकास हो, सिल्ली का विकास हो, हर व्यक्ति को रोजगार मिले, हर एक घर में खुशी मिले, अमन चैन शांति, सबको सुकून के साथ रहने जीने का हक मिले, हम यही चाहेंगे। चलिए एक सवाल यह कि अमित महतो को मौका क्यों नहीं मिला मंत्री पद के लिए? क्योंकि अमित विधायक ही सक्षम है, एक विधायक ही मंत्री से बेहतर काम कर सकते हैं। इच्छा नहीं थी क्या आपकी मंत्री बनने की? देखिए सर, हमारे बड़े भाई जिस जिम्मेवारी को हमें देते हैं, सौंपते हैं, निसंदेह उनकी भी भरोसे और विश्वास को मैं टूटने नहीं देना चाहता। आने वाले दिनों में एक से एक बेहतर हम काम करेंगे, जो कि आपको भी गौरव करने का विषय होगा और मेरे कार्यों से आपका भी सर्वंदगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा आपके लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा आपके लिए काफ़ी लकी साबित हुई। जी लकी था, लकी है, लकी रहेगा। हेमंत दा हमारे श्रद्धेय हैं, उससे पहले हमारे गुरुजी थे और निसंदेह आने वाले दिनों में हम तो यही कहेंगे कि हेमंत दा के हाथों ही हमारे झारखंड को गढ़ना है और हम सब उनके आँखों से ही समृद्ध होता हुआ देखना भी चाहेंगे। और जिस विश्वास भरोसे के साथ एक मुख्यमंत्री पद की जिम्मेवारी दी गई है, निसंदेह हम भी चाहेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।